सबसे तेज खबर साउथी चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद में दो नाबालिग बच्चों की हत्या से सनसनी फैल गई। पुलिस अधीक्षक ने घटना स्थल का जायजा लिया। बहराइच के पखरपुर इलाके में हुए दो बच्चों की निर्मम हत्या ने पुलिस प्रशासन को झकझोर कर रख दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद एसके सुजाता सिंह समेत दर्जनों अधिकारियों ने घटना स्थल का जायजा लिया। फोरेंसिक विभाग की टीम ने दोनों शवों का बारीकी से मुआयना करते हुए यह जानने का प्रयास किया कि आखिर हत्या किस वजह से की गई। दोनों बच्चे 8 साल और 10 साल के बताए जा रहे हैं, हालांकि इनकी शिनाख्त अभी तक नहीं हो सकी है। घटना का अनावरण करने के लिए एसपी ने पुलिस की 3 टीमों को एक्टिव किया है। अपर पुलिस अधीक्षक ज्ञानेंजय सिंह ने बताया कि बच्चों की हत्या बहुत ही निर्ममतापूर्वक की गई है, जिसकी बारीकी से जांच की जा रही है। एसओजी और सर्विलांस की टीम को विशेष रूप से लगा दिया गया है, ताकि जल्द से जल्द इस घटना का खुलासा किया जा सके। उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद के पखरपुर इलाके का यह पूरा मामला है, जहां पर दो बच्चों का शव गन्ने के खेत से बरामद हुआ। दरिंदगी की सारे हदें पार करते हुए मासूम बच्चों की हत्या की गई। हालांकि यहां पर पुलिस अधीक्षक समेत पुलिस के अन्य अधिकारियों ने पहुंचकर घटना स्थल का जायजा लिया है और अपराधियों को पकड़ने के लिए टीमों का गठन कर दिया गया। एक साथ दो नाबालिग बच्चों की हत्या से सनसनी का माहौल है। पुलिस के अधिकारी लगातार घटना स्थल का निरीक्षण करने के साथ साथ घटना का खुलासा करने के लिए तैयारियों में जुटे हुए हैं, जिसके लिए टीमों का गठन किया गया है। बहराइच जनपद के पखरपुर इलाके का यह पूरा मामला, जहां पर गन्ने के खेत में दो मासूम बच्चों का शव मिला है। प्रथम दृष्टया शव को देखकर ही हत्या का अंदाजा लगाया गया, जिसके बाद पुलिस और फोरेंसिक टीम अपने अपने कार्रवाई में जुटी। बहराइच जनपद के पखरपुर इलाके की ये तस्वीरें हैं, जहां पर पुलिस अधीक्षक स्वयं मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए जल्द ही इस मामले के खुलासे के निर्देश दिए। जो आज घटना घटी है, क्या इसमें जानकारी है, क्या आपके नज़र में आ रहा है? अभी तक ये फकरपुर थाना क्षेत्र के राजादरपुर गांव है, उसका एक पुरवा है बसंतापुर, वहाँ पे गन्ने के खेत में एक लड़की और एक बच्चे की डेड बॉडी मिली है, जिसके गर्दन पर धारदार हथियार से चोट है और बच्ची की उम्र करीब 10 वर्ष होगी और बच्चे की उम्र करीब 8 वर्ष होगी। गांव के लोगों का कहना है कि कुछ अज्ञात व्यक्ति दो व्यक्तियों के साथ ये बच्चे गांव में घूमते हुए देखे गए हैं। अभी शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है, अति शीघ्र इसकी शिनाख्त कराने की कोशिश की जा रही है। स्वाट टीम और फील्ड यूनिट की टीम मौके पर मौजूद है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस घटना का शीघ्र अनावरण किया जाए। फिर मौके से कोई चीज़ बरामद हुई है या नहीं? मौके से ब्लड लगा है और गिरा हुआ है और अभी ऐसा कोई वस्तु नहीं बरामद हुई है। आला कतल की भी हम लोग खोज कर रहे हैं अगल बगल और विवेचना इसमें की जा रही है। थैंक यू।